थी और अरे तीन वह नहीं गई थी, पैदा कितने हुए थे? 18। ओल सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो आज जो है पीछे कपड़े नहीं दिख रहे, आई नो, बट ये तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो आफ्टर ब्रेकफास्ट है, मतलब ब्रेकफास्ट मैंने स्किप ही कर दिया था तो बहुत कम लिया था, तो पनीर और ये है। इसके एक दो घंटे बाद ही मैं लंच करूँगा, 3-3.30 बजे अराउंड। फिर उसके 1 घंटे बाद जिम जाने से पहले कोई भी फ्रूट, पपाया, वाटरमेलन, कोई भी मतलब आप खा सकते हो। और अभी जो मेन चीज़ है वो ये है कि मेरे को बैठ के कंप्यूटर सेटअप करना है, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है और मेरे को बाहर जाके सारी शीट वगैरह लानी है, जो कि मैं शायद जिम जाऊँगा जब आते हुए ले आऊँगा। तो अभी तो सबसे मेन यही है एंड नथिंग मच, ये कर ले पहले, उसके बाद देखते क्या करते हैं। अभी हम मशरूम खा रहे हैं, जिम जाना है 1.5 घंटे में, तो इसलिए कर लिया था, काम करते करते बहुत लेट हो गया था, तो उस चीज़ को कवर अप कर लेंगे हम जिम में। और आज इशू भी आएगी जिम में, तो देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। अभी तो फिर फिलहाल मशरूम बना लें और खा लें। टाइम फॉर द जिम, 2G जा रहा है वहाँ पर, फुटबॉल खेल लें, जिम मिलते हैं, इशू वहीं मिलेगी हमारे को, देखते हैं फिर। तो शोल्डर वर्कआउट डन, इशू आ रहा है उसने भी करा, बाहर चलते हैं, डाइट का देखते हैं क्या करना है, फिर घर चलेंगे। तो अभी हमारे जिम से, और मैं साथ ही साथ जो है अपने लिए पेपर के लिए सामान ले आया था, ऊपर चल के दिखाता हूँ अभी। सो गाइस इट्स बीन अराउंड हाँ मोर देन हाफ एन आवर जब मैं निकला था, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं सामान ले आया था, एक मिनट। सो हेयर इट इज़, जो 3 शीट है, 2 एग्ज़ाम निकल जाएंगे 3 शीट में, ओ सॉरी 3 सेट है, अराउंड 20-20-20-60 पेपर है, तो 2 एग्ज़ाम निकल जाएंगे मोस्ट प्रॉबली, अगर कम पड़े तो ले आऊँगा। एंड कल मेरा पेपर है तो आज मेरे को टाइम से सोना पड़ेगा, सुबह 9 बजे उठ के मेरे को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, डाइट वगैरह ले लूँगा टाइम से। 9 बजे 9:30 बजे चेक इन टाइम है, उसके बाद 1-1.5 बजे तक, 1:45 तक मैक्सिमम हमारे को अपलोड कर देना है पेपर, तो 3 घंटे के अंदर पेपर कर लेना है, तो 3 घंटे के अंदर कर लेंगे। तो जैसे करेंगे अब देखते हैं, देखो हर चीज़ देखी जाती है, तो जैसे भी होगा देखी जाएगी, तो क्योंकि कोई है तो है नहीं सामने, देखी जाएगी सच में, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आ गया हूँ, मैं पपीता खा लेता हूँ थोड़ा सा, तो पेट में जगह बनी रहेगी। भाई ये चीला है और ये उतने ही वैसे ही बना है जैसे मैं खा सकता हूँ, थोड़ी मोटी स्टफिंग के साथ। और ये चीला किसका है? सूजी का, मम्मी को पता था मैं डाइटिंग पे हूँ, तो उन्होंने कुछ करा नहीं है। एंड ये देख लो, इसका बनाने का बहुत आसान तरीका है, जिसमें आपका तेल यूज़ नहीं होगा। पहले आप इनको एज अ इडली तेल मतलब वो कर लो, थोड़ा बॉयल कर लो, एक शेप दे के बॉयल, वो सॉरी स्टीम, उसके बाद इसको हल्का सा तवे पे अपने आप रख दो, तो इनका खुद का ऑयल होता है वो निकलता है, तो ये सारा वो है हेल्दी और बढ़िया। इसके अंदर वेजीज भी डली हुई है देखो इतनी सारी, ये खा लेता हूँ, पपीता रात में खा लेंगे विद ओट्स। पापा के साथ देखता हूँ उनका रिएक्शन, इसके ऊपर ये वाला ढक्कन है तो वो मैं सामने खोल के अगर फेंकने की कोशिश करूँगा। ढक्कन खोल दिया, पानी डाला चले देखो में चले गए पानी, वो पापा डांटने लगे, फिर मजा होता है ये वो, 10-15 मिनट तक ऐसे सुनाते रहे, बड़ी मुश्किल से मंगाया मंगाया। एक चीज़ और कुछ हो गई है, मेरी चैन जो ब्रेक हो गई जिम में, इसको जुड़वाना पड़ेगा, टूटी हुई बिल्कुल बीचों बीच से, तो देखते हैं कल जाके जुड़वाएंगे। एंड जब भी जुड़वाएंगे मम्मी जाएंगे, जब भी देखेंगे, कल हमारा पेपर है, पेपर का सामान सब ले आए हैं, कंप्यूटर वगैरह अपडेट है, सारी चीज़ें हैं, ये देखना बस PDF में कन्वर्ट कैसे करेंगे पेजों को, तो PDF मेकर जो फ़ोन में होता है उससे हो जाएगा, या फिर हमारे को स्कैन करके फिर अपने कंप्यूटर में मेल करके करना पड़ेगा। अब चल रहे हैं नीचे खाना खाने, खाना बनाना पड़ेगा पहले और सोना, फिर देखते हैं क्या होगा। ये 2G था,
तोड़ दी भाई बोतल तोड़ दी, ओ ढक्कन टूट गया। अब तेरी पिटाई है भाई। ओला खुल ही गया ऊपर से ऐसे डाल देता। तो भाई ओट्स, ये बॉइल्ड गोभी है जिसको मैंने नमक और लाल मिर्च के साथ और हल्के से प्याज के साथ सोते करा है। बॉइल्ड दाल, एक रोटी सिर्फ, क्योंकि मैंने दिन में रोटी और चावल कुछ नहीं खाया था, मशरूम खाए थे बस, भूख लग रही है। और ये चुकंदर, अच्छी बात ये है कि पापा अपना टेस्ट करा के आए थे, तो पापा को पता चला पापा बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, तो ही नीड्स टू लूज अराउंड 40 kg पर हम ये एम लेके चल रहे हैं। अब से उनका एक मंथ के अंदर अंदर 15-20 kg टूट जाएगा, कि जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि लूज फैट बहुत है, क्योंकि पापा दो ही बार खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। आज उन्होंने बहुत कम खाना खाया है, और अब कल सुबह से रनिंग वॉकिंग, कल मेरा पेपर है, जल्दी से खाना खा के सारी चीज़ें ऊपर प्रिपेयर कर दूंगा, और कल प्रिंस आएगा तो जल्दी से वाइंड अप करके पेपर दे के फिर मिलेंगे। और सुबह जल्दी उठना है क्योंकि पापा को 7 बजे पार्क भी लेके जाना है, योगा भी करानी है और वॉक भी, तो इसलिए खाना खा लेता हूं। शादी की बात बता रहे हैं, मतलब पहली शादी जो तय हुई थी। क्या हुआ था? मैं बनियान पहन के आया, महेंद्र की बनियान थी लंबी सी, पहन के और तौलिया लगा के आया, हैंगर ने तौलिया और बनियान पहन रखी थी। एक मास्टर जी आए हुए थे, पड़ोस वाले दादाजी कहाँ बैठे हुए थे, वही बातचीत कर रहे थे, तो आए देखो के बेटा ये वो, आई वड़ाई पूछा, ठीक है जी, देख के चले गए। पीछे से बाबा ने और बड़े पापा ने शादी मेरी तय मान ली, बड़ा अच्छा ले लिया। कितने रुपए? पता नहीं, जो भी लिया अंदाजन सुन तो ले, मुझे नहीं आईडिया। तब 100 रुपए होते थे शादी में, जो भी था ले लिया। फिर काका को पता चला, काका पढ़ रहे थे वहाँ कर रहे, जीवा जी भी लिख कर। बड़े बाबा कौन? अपने बाबा, काका में करते। अच्छा, आपके दादा? मेरे मेरे पिताजी तेरे दादा यार। वो किसने लिया था? पर अच्छा, वो त्रिभुवन पापा का। अच्छा पापा, अच्छा, और महेंद्र पापा ने। अच्छा ठीक है, पिताजी को पता चला। अब पिताजी के विलुप्त हो गए थे, वो एमए कर रहे थे, फिर उसके बाद वहीं से एमए का लास्ट उनका पेपर था, वो बेचारे पेपर भी पूरा नहीं दिए, और ट्रेन पकड़ने गए थे, ट्रेन भी लेट थी। लोल हो गया। लोल। डिग्री भी निकल गई हाथ से, और बच्चा भी जाने वाला है। ठीक है, चले गए घर पहुंचे, उन लोगों को बुलवाया, उनका भैया मैंने बच्चे की शादी होती नहीं करनी। कितने कितने बच्चे होते? 20 बच्चे होते ना पर नानी के? 4 बुआ थी, रह गई थी और 3। अरे रह नहीं गई, तो पैदा कितने हुए थे? 18। ओल, मेरी पर नानी के 18 बच्चे थे भाई, और तब भी देख लो कितने, 106 साल जी हैं, 106 साल। और फिर बच्चे कितने उसमें से? 4 बुआ, 4 बुआ और 4 तीन बुआ, सॉरी 3 भाई, जिसमें एक हरी चाचा और एक बाप शंभू चाचा, और सबसे बड़े बाबूजी, मतलब मेरे मेरे वो है, क्या नाम है, मेरे नाना, सगे नाना, बहुत बड़े इंसान थे, शख्सियत, और बड़े इंसानों की शख्सियत इतनी जल्दी नहीं जाती। देखो मेरी मम्मी है, उनकी शख्सियत। सो गाइस, नीचे आज बहुत सारी बातें हुई, जो कि बहुत अच्छा था, क्योंकि आपको पता माहौल बहुत बिगड़ा हुआ था जब मैं खाना खाने बनाने गया अपना, तब तो मैंने अभी थोड़ा सा दूध लिया है, बिकॉज थोड़ा पेट में भूख सी लग रही थी, तो मैं कहा यार थोड़ा खा लेते हैं। तो साथ ही साथ हमने बहुत सारी बातें करी। यस, इट्स ट्रू कि मेरी मम्मी की जो, मतलब मेरी नानी थी, उनके एक वो, उनके 20 बच्चे थे, जिसमें से 7 ही जी पाए, क्योंकि उस टाइम आपको पता है, एक मिनट प्लीज, इतना सब कुछ नहीं होता था। तो होप कि आप लोगों को फैक्ट अच्छा लगा होगा। तो अब चलते हैं, मैं जा रहा हूँ सोने, मैंने 2G को यहीं रोक लिया, क्योंकि कल पहला पेपर है, तो ऊपर नीचे कुछ होगा, भागना उगना पड़ा, तो मैं पेपर दूंगा तो 2G संभाल लेगा। तो सी यू टाटा भाई, नमस्कार, कल मिलते हैं आपको एक और धाकड़ और अच्छे ब्लॉग के साथ। सो टेक केयर।